क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इतने अरसे तक मजाक बनाया पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रिस्क था आप देखें हिंदुस्तान में शोले फिल्म बनी बनी हाँ आज तक उसकी कापी नहीं बनी। शान शाहिद को लिया जाना चाहिए आ, मौला जट के किरदार के लिए सारी कास्ट आपकी ठीक है लेकिन नतनी की रोल में मुझे लग रही है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल जब भी होगा पंजाबी फिल्म से होगा और लाहौर से बनी हुई फिल्म से होगा आप एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप गंडासे को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए बदमाशी कल्चर को आपने प्रमोट किया वो एक सिस्टम के खिलाफ फिल्म थी जो मौला जट पहली थी ये एक गलत सोच के खिलाफ फिल्म है फवाद खान और हमजाबासी और मायर खान का तल्लक है इन्होंने बहुत अच्छी परफ़ार्मेंस दी क्योंकि इनसे हम तो करते हैं और ये कर सकते हैं असलम नाज़ीन। नाजिन इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं दी लेजेंड ऑफ मोलाजट के राइटर नासरदीप साहब नासरदीप साहब से आज इस फ़िल्म से मतलब कुछ सवाल करेंगे क्योंकि जोजिनल मोलाजट थी नाइनटीन सेवेंटी नाइन में जो रिलीज़ हुई थी उसके राइटर भी नासिर दीप साहब ही हैं और आज चालीस साल बाद जो फिल्म द लेजेंड ऑफ मोलाज रिलीज़ हो रही है उसके राइटर भी नासर दीप साहब भी हैं पहले बात करते हैं सर आपको बहुत मुबारक हो मेरा नहीं ख्याल मेरी अगर छोटी सी उम्र है अगर जितनी भी मैंने ऐसा राइटर नहीं देखा कि उसने सेवेंटी नाइन में एक फिल्म बनाई हो और उसी के नाम पे तकरीबन चालीस साल बाद एक और फिल्म बना रहा हो तो क्या बतौर राइटर कितना ख़ुशी का मुकाम है आपके लिए जी बेशक इसमें तो कोई शुभ ही नहीं है कि और इतना अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए आ, मैं तो वो कहा करता हूँ कि मैं कागज़ और कलम लेकर बैठ जाता हूँ अल्लाह मुझे अता करता मैं लिख देता हूँ और बाद में पता चलता है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा वो मैंने नहीं लिखा होता उसने लिखवाया होता है तो 43 ईयर के बाद ए, मौला जट इतनी संगे जिसको फिल्म इंडस्ट्री का संगे मील कहते हैं उसको बनाना ये बहुत बड़ा रिस्क था आप देखें हिंदुस्तान में शोले फ़िल्म बनी आज तक उसकी कापी नहीं बनी ना तो उसको रीमेक किया ना किसी ने उसका सीक्वल बनाया क्योंकि वो वहाँ इतनी सुपोरेट हो गई इतनी परफार्मेंस के लिहाज सेर लिहाज से कि किसी ने सोचा भी नहीं और जरत भी नहीं की तो ये मेरे प्रोड्यूसर को और मेरे डायरेक्टर को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये जरत की और ये रिस्क लिया और बहुत बड़ा रिस्क लिया और लाखों का नहीं करोड़ों का रिस्क लिया और उसका आज रिजल्ट जो है वो सब के सामने आया कि आज दुनिया इस फिल्म का इंतज़ार कर रही है और ट्रेलर देखकर उनको यही समझ नहीं आ रही कि ये फिल्म क्या है एक चीज़ बताएँ जो सेवेंटी नाइन की फ़िल्म थी उसमें सुल्तान राय साहब ने जट और नूरी नत का किरदार मुस्तफा कुरैशी साहब ने अदा किया उनके जाने के बाद जो लिगेसी है वो कहा जाता है कि शान लेकर चला पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की ये फ़िल्म जो आपने लिखी इसमें ये नहीं आपने कहा कि अदाकार शान शाहिद को लिया जाना चाहिए मौला जट के किरदार के लिए नहीं बात यह है कि जो जो मेरे डायरेक्टर का वीन था वो सुवियन में ए, मेरे हिसाब से शान को होनी नहीं चाहिए था अच्छा। क्योंकि अगर शान होता तो मिसफिट होता अच्छा मौला जड़ के लिए मिसफिट होता फिट होता उसकी एक वजह है कि जो वो दुनिया क्रिएट हुई है जो एक स्टाइल उसका और उसका जो दौर है जो उसका गठप है जो उसका स्टाइल है उसमें शान मिसफिट था अच्छा। हाँ और इसके लिए फ़िट तो आपने फवाद खान को ही समझा कि वो फिट है इस किरदार के लिए जी बिल्कुल और ये जो फ़ैसला था ये मेरे डायरेक्टर का था मेरा नहीं था मैंने उनको ये बोला था कि अगर आपने लेना है तो मैं यही समझा था कि शायद यहाँ से पंजाबी तो उस वक्त बोला था कि आप शान को ले लें उसके मौला जाट के रोल में हाँ। तो उसने कहा नहीं ना सर जो मैं फ़िल्म बनाना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे शान सूख नहीं करता वो फिर जिस वक्त हमने कहानी बनाई तो वाकई वो पता चला कि इसमें शान को नहीं होना चाहिए अच्छा वो जो एक चीज़ थी कि लेगेसी लेकर चलने वाली वो आप समझते हैं कि इसके बाद जो फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला मौलाज रिलीज़ होगी कहा जाता है कि सुल्तान राय की लेगेसी लेकर चले शाहान शाह साहब वो 2022 हज़ार बाईस तेरह अक्टूबर के बाद वो बात ख़त्म हो जाएगी जी मैं मेरे हिसाब से तो खैर वो पाँच छः साल हो गए उस वक्त से ही ख़त्म है कि उस चीज़ को लेकर ये नहीं चल सके अगर चल सके होते तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ये हाल ना होता वो नहीं चल सके और उसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ शान का फॉल्ट है उसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का भी फॉल्ट है तो यहाँ तक इस फिल्म का ताल्लुक है ये मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस लेजेसी को लोग आगे चलाएंगे लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पंजाबी फिल्म को उर्दू फिल्म के मुकाबले में हमेशा दो नंबर की फिल्म समझा जाता है या सेकंड दर्जे की फिल्म समझा जाता है इस फिल्म के रिलीज़ के बाद जो पंजाबी फिल्म है और पंजाबी टेक्नीशियन जो है जो पंजाबी आर्टिस्ट है वो एक नंबर तसवर होगा ये सवाल मैंने आपसे करना था सर जब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का रूज था और उसके बाद जब जवाल की तरफ गए तो जो उर्दू फिल्में बनाने वाले चलें ये लफ्ज़ नहीं बोलते लेकिन जो फिल्में बनाने वाले लोग थे उन्होंने इल्ज़ाम ही ये लगाया कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ने जिसमें गंडासे को इंट्रोड्यूस करवाया गया उसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया आज 2022 में जश्न वो लोग मना रहे हैं इसी फिल्म इंडस्ट्री इसी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर सर के ऊपर और इसी तरह के जो गंडासे हैं उन्हीं के सर के ऊपर आज जश्न मनाया जा रहा है कि तेरह अक्टूबर के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री नए एरा में जा रही है आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इतने दो, अरसे तक मज़ाक बनाया पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का देखें जी उनको जवाब तो अमली तौर पर अल्लाह ताला ने दे दिया है लेकिन मैं पिछले सात साल से एक बात अपने हर इंटरव्यू में कहता रहा हूँ वो मेरे ऑडियंस को भी याद होगा और इंटरव्यू लेने वालों को भी याद है आपने इतफाक़ से इस दौरान मेरे से इंटरव्यू नहीं लिया hmm. वो सवाल होता था कि नासिर साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल कैसे होगा okay. मैंने कहा ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मुझे ये कह सकता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अकेली थी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान तकसीम हो गया hmm. तो यहाँ उर्दू फिल्में बनती थी उस वक्त तो उर्दू फिल्म बनी शायदा के नाम से डेड फ्लाप हुई हिचकोले के नाम से बनी डेड फ्लाप हुई तेरी याद बनी डेड फ्लाप हुई तो एक्टर थे और डायरेक्टर भी थे नज़ीर उन्होंने लारे बनाई अच्छा। वो सुपरहिट हुई फिर फेरे बनाई वो भी सुपरहिट हुई तो फिल्म इंडस्ट्री चल पड़ी तो मैंने कहा मेरी ये पेशीनगोई है और ये मेरा चैलेंज है और मेरा दावा भी है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवावल जब भी होगा पंजाबी फिल्म से होगा और लाहौर से बनी हुई फिल्म से होगा ये आज से सात साल पहले मैंने बात की थी उस वक्त मौलाजट शुरू भी नहीं हुई थी मौलाजाट एक साल बाद फिर शुरू उसके बाद मैं रिपीट करना शुरू फिर लोगों ने इसका मजाक भी बनाया मेरे से यह भी ये भी कहा कि क्या लिखोगे और क्या बने फिल्म बनेगी कोई देखने नहीं आएगा वो पहली मौलाजाट जूँ थी वो एंड था फलां लेकिन और ये मैं पाँच साल बातें सुनता रहा जिस वक्त ट्रेलर रिलीज़ हुआ इस फिल्म का तो लोगों की ज़ुबानें भी बदल गई लोगों के जहन भी बदल गए लोगों की सोच भी बदल गई और जो जो फिर वक्त गुजरता रहा आज आपके सामने है कि कितनी फिल्में उर्दू की बनी हैं और सारी सुपरट भी थी उनमें नदीम बेग जैसा डायरेक्टर देखे जिसने मेरे ख्याल में चार फिल्में बनाई चारों सुपरट है जवानी फिरनी बनाई सुपरेट जवानी टू बनाई सुपरट मैं पंजाब नहीं जाऊंगी सुपरट मैं लंदन नहीं जाऊंगी सुपरेट ठीक है।, है और उसकी फिल्म का लोगों को इंतज़ार भी होता लेकिन क्या ये क्रेज़ देखा आपने जो इस फिल्म का नहीं ऐसा क्रेज़ नहीं देखा मैं आपसे ना लास्ट दो सवाल और पूछूंगा कि आप पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप गंडासे को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए बदमाशी कल्चर को आपने प्रमोट किया फ़िल्म का इंतज़ार करने वालों से अंदाज़ा हो रहा है कि वो जिन्होंने आप पे तनकीद की थी वो झूठ है आप जो तनकीद करने वाले हैं उनको ज़रा आज जवाब दीजिएगा उनको मैं क्या जवाब दू जी मैंने तो कभी उनको जवाब दिया मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम हमेशा लगा और मैं उनसे एक ही बात कहता था कि देखें गंडासा जो है ये एक गलत का निशान है बदमाशी के ऊपर फिल्में लिखी तो बदमाशी को प्रमोट करने के नहीं लिखी बल्कि बदमाशी को रोकने के लिए लिखी ठीक है और मेरा ईमान है कि दुनिया में कहीं भी बुराई हो आप उसे ताकत से रोक सकते हैं ठीक है अगर ताकत नहीं आप अब देखें हमारे ये जितनी भी बुराइयां हैं इसमें मौलाना हजरत और मौलवी सर पर कितने बोलते हैं माशरे में ये ना करो वो ना करो फला ना करो लेकिन ना चोरी रुकती है ना शरीर क्राइम रुकते हैं कुछ नहीं रुकते एकदम आप फर्ज करो मार्शल लग जाते हैं आपको क्राइम शरीर हाँ। रुक जाते हैं हाँ। फिर वो क्या है कि पता है कि यार डंडा लगेगा तो ये जो चीज़ है कि जुल्म को और किसी बदमा अब यह बदमाशी है देखते एक आदमी होता था अब तो खैर दौर थोड़ा सा बदल गया है एक हाँ। बदमाश होता था चार लाख का महला होता था चार का चार लाख उससे डरता था एक आदमी से ठीक है मैंने सिर्फ ये किया था कि यार एक आदमी जिसकी वही टांगे हैं वही हाथ है वही बात है उस एक आदमी से चार लाख आदमी को डरने की क्या जरूरत है ये आपको आ, मौला जट में भी एक सीन ऐसा मिलेगा अच्छा। जिसमें आपको ये पता चलेगा अच्छा आखिर आखिरी सवाल है लेजेंड ऑफ मौलाजट नाइनटीन सेवनटी नाइन में रिलीज होने वाली कितनी मुख्तफ है मौजूदा जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट है उससे यानी कि मौजूदा लेजेंड ऑफ मौला जट पुरानी लेजेंड ऑफ मौला जट से कितनी मुख्तलि है या सेम कहानी है देखें मैं आपको आसानी के लिए और पब्लिक की आसानी के लिए ये बता देता हूँ जेम्स बाड की सीरीज़ आपने देखी है जेम्स बाड हर फिल्म में जेम्स बाड होता है लेकिन हर फिल्म में कहानी नहीं होती और लोग देखने जाते हैं किरदार वही है मौला जट भी है नूरी नत भी है दारो नतनी भी है माखा नत भी है सारा कुछ है लेकिन कहानी जो है वो अपने हिसाब से नहीं होगी तो मुख्तलफ है उससे बिल्कुल वो एक सिस्टम के ख़िलाफ़ फिल्म थी जो मैंने लिखी थी जो मैंने सोच के लिखी थी जो मौला जट पहली थी ये एक गलत सोच के खिलाफ फिल्म है। अच्छा वो मैं समझ रही हूँ आप कौन सी गलत सोच कह रहे होंगे जो चालीस साल दौर में क्रिएट हुई है अच्छा अब, कहा तो आपसे लास्ट सवाल था एक चीज़ बताएं इन आर्टिस्टों में जिन जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है पंजाबी जुबान नहीं जानते ये लोग आ, बोलना तो आपको क्या लगता है कि कितना अच्छा किरदार किस आर्टिस्ट ने इस फिल्म में अदा किया है फवाद खान ने अदा किया है मायरा ख़ान ने अदा किया है हुमायमा मलिक ने अदा की है या जो लीडिंग कास्ट में हमज़ाली अबासी हैं उन्होंने अदा किया है ये कौन से ऐसे किरदार हैं जिन्होंने दी लेजेंड ऑफ जट में अच्छा किरदार अदा किया है देखिए ये नंबर तो मैं नहीं दे सकता ये तो इसका फ़ैसला आवाम करेंगे लेकिन जहाँ तक फवाद खां और हमजाबासी और मायर ख़ान का तल्लक है इन्होंने बहुत अच्छी परफार्मेंस दी क्योंकि इनसे हम तो करते हैं और ये कर सकते हैं थी, थी। मैं तीन करदारों का जिक्र करना चाह रहा हूँ जिनको मैं इससे पहले जानता नहीं था नहीं। और उन्होंने करदार निभाने में अंत कर दी उनमें एक है मीशा शफी के भाइया फारस शफी उसने रोल किया उसने अंत कर दी इतनी बेसाख्त मैंने अदाकारी मैंने नहीं कभी देखी एक लड़की है सैमा बलोच उसने एक मुख्त सर चार पाँच सीनों का रोल किया है लेकिन उसने एंड लगा दिया परफॉर्मेंस का उसके पास इतना कहने कोई कुछ नहीं था उसके खास सीन साइलेंट है लेकिन वो भूलती नहीं है अच्छा। दूसरा तीसरा रोल है अमायमा मलिक का जो दारो नथनी का उसने रोल किया है मैं पहला आदमी था जिसने से कहा था कि सारी कास्ट आपकी ठीक है लेकिन अमामा मलिक दारोनि की रोल में मुझे मिसफिट लग रही है उसका अपना कॉन्फिडेंस था उसने कहा नहीं यार ठीक चलेगी मैंने कहा ठीक है जिस वक्त मैंने फ़िल्म देखी तो मैंने मैं हैरान रह गया कि उस लड़की ने क्या पंजाबी बोली है और क्या दारो नतनी का वो गरूर और वो एक आ, बड़ा पन और अन्ना खरा और किसी को कुछ ना समझना क्या परफॉर्मेंस थी है? कमाल की है चलिए बहुत शुक्रिया सर थैंक यू और ये फिल्म जो है तेरह अक्टूबर को रिलीज़ तो हो, हो रही है और नासिर दीप साहब हमारे लेजेंड राइटर हैं जिनसे आज मुलाकात और बात करके मुझे भी बड़ा अच्छा लगा उम्मीद करते हैं तेरह अक्टूबर को आप तमाम लोग ये फिल्म सिनेमाघरों में जाकर जरूर देखेंगे